नरसिंहपुर के गोटेगांव में निजी अस्पताल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतक के परिजनों ने लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महिला की मौत होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिला को वेंटिलेटर पर रखकर जबरन इलाज किया जा रहा है और पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल द्वारा किसी भी तरह की कोई लापरवाही इलाज के दौरान नहीं की गई और परिजनों द्वारा जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। बेटर ट्रीटमेंट के लिए ना भागना पड़े, वो सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड करें। इस प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिसेज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कल यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो पुलिस बल मौजूद था, उनको जाके मैंने दिखाया ये चीज़ कि आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटर सांस लेने में मदद करता है, वेंटिलेटर हार्ट बीट नहीं चला सकता। आप मॉनिटर पर पल्स चेक कर सकते हैं, आप पल्स फील कर सकते हैं। पेशेंट वॉज वेरी मच अलाइव, उसमें अनएथिकल प्रैक्टिस का सवाल पैदा ही नहीं होता। बोलते अरे तुम्हारा पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने वो ब्लड लिख दिया है, अगर वो आ रहा है तो ठीक है ना, फिर मैं देखता हूँ, मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। और जब मेरी पेशेंट की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने मेरे से साइन कराया। किसने सूचना दी कि डेथ हो गई? डेथ वो मैं खुद मेरे पापा वहाँ देख के आए, मेरे सामने मैंने देखा कि जब मशीन की सिंगल लाइन आ चुकी थी।